नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। अगर आप किसी खूबसूरत चेहरे को देखते हैं तो बेसाख्ता मुंह से निकल पड़ता है कि इसे ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया है। हिंदी फिल्मों की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला के बारे में बेशक ये बात कही जा सकती है। मधुबाला ने हर तरह की फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अदाकारी का जलवा बिखेरा। महल में सस्पेंस जगाने वाली मधुबाला हो, या फिर मिस्टर एंड मिसेस 55 की शहरी बाला, या फिर हावड़ा ब्रिज की मादक डांसर हो, या फिर ये कहें मुगले आजम की कनी जरार कली, जिसका जलवा किसी शहजादी से कम नहीं लगता। लेकिन अफसोस कि इस हसीन अदाकारा ने महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, आज ही के दिन 1969 में उन्होंने अंतिम सांस ली। जानिए इस बला की खूबसूरत अदाकारी के बारे में कुछ खास बातें। चेहरे पर नूर, आंखों में तेज, सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा, जिसे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता था, जिसे अपना प्यार नहीं मिला, शादी के बाद भी अकेली रह गई थी मधुबाला। 36 की उम्र और 66 फिल्में, बस यही थी उसकी कहानी। अपनी आखिरी वक्त में भी बला की खूबसूरत लगती थी वो। मोहक, खूबसूरत, दिलकश और ताजगी से भरपूर, जिसके चेहरे से नूर टपकता रहता हो तो आप मधुबाला के अलावा शायद ही किसी दूसरे चेहरे के बारे में सोच पाए। शोक और अल्लड़ अंदाज के साथ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मधुबाला को गुजरे कई दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें जिस शिद्दत से याद करते हैं उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। महज 36 साल की उम्र, जीवन के आखिरी 9 साल अपने घर में कैद होकर रहने की मजबूरी और केवल 66 फिल्में, लेकिन मधुबाला ने इन सब में वो मुकाम हासिल कर लिया जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। मधुबाला अपने माता पिता ही नहीं, 11 भाई बहन वाले परिवार में इकलौती आजीविका कमाने वाली थी। महज 6 साल की उम्र में मधुबाला ने माया नगरी में अपने कदम रख दिए थे। मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो। बस यही कारण है कि मधुबाला और दिलीप प्यार में होने के बावजूद एक दूसरे के नहीं हो पाए। जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार की राहें अलग होने लगी थी, उसी वक्त किशोर कुमार का अपनी पहली पत्नी रोमा देवी से तलाक हुआ था और दोनों एक साथ कई फिल्मों में भी काम कर रहे थे। इस वजह से दोनों के बीच एक आकर्षण हुआ और 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने आपस में शादी कर ली। किशोर कुमार के साथ शादी के फैसले ने मधुबाला को दिलीप कुमार से अलग होने की तुलना में कहीं ज्यादा आघात पहुंचाया और तब से वो बेहद बीमार हो गई। कहते हैं कि अगर आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और आपका जीवन साथी आपके साथ है तो आप अपनी बीमारी से उभर जाते हैं, लेकिन मधुबाला इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें किशोर दा की थी, वो उनके साथ नहीं थे। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती गई, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की इच्छा काफी भरी हुई थी, लिहाजा वो डॉक्टर्स के हाथ खड़े करने के बावजूद 9 साल तक जीवित रहीं। हालांकि लंबी बीमारी के चलते वो थकी हारी जरूर थी, लेकिन चेहरे का नूर बना हुआ था। उनकी जिस खूबसूरती का बॉलीवुड में कभी डंका बजता था, उस दुनिया ने उन्हें भुला दिया, लेकिन वो भारतीय सिने प्रेमियों के दिलों में आज भी राज करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।